नहीं, मैं स्वयं आयांस के परिवार से मिला हूँ, उनके माताजी पिताजी, वो बच्चा भी मिला है, और सरकार के तरफ से जो सहयोग हो सकते हैं वो मैंने उनको बताए हैं। और स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, और स्वास्थ्य की व्यवस्था के बेहतर प्रयास का ही परिणाम है कि आज बिहार में जिसकी आबादी लगभग 12 करोड़ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ खुशबू रहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है। आज पूरे 75 साल पूरे हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, और इस दिवस को हर्षोल्लास के साथ पूरी भारत की जनता पहले भी मनाती थी, आज भी मना रही है और आगे भी मनाती रहेंगी। इस शुभ अवसर पर हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी मौजूद हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज के बारे में वो क्या संदेश देना चाहेंगे। नमस्कार सर। आज आज़ादी के 74 साल पूरे हो गए हैं, 75वां वर्ष शुरू हुआ है। इस अवसर पर मैं अपने संपूर्ण राज्यवासियों को, देशवासियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई शुभकामना देना चाहता हूं। बहुत लोगों के बलिदान के बाद, स्वतंत्रता सेनानियों के अथक परिश्रम के बाद देश को आज़ादी मिली है। तो आज़ादी के बाद का जो भारत बनाने का सपना स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, उस सपने के अनुरूप हम सब भारत बनाए, यह आज की पीढ़ी का कर्म एवं धर्म है। और मैं समझता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी निश्चित रूप से स्वतंत्रता सेनानियों के सपने के अनुरूप भारत का निर्माण करना चाहती है, परिश्रम भी कर रही है। और पिछले 7 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने ईमानदारी के साथ विकास के लिए कार्य किया है, देश की दुनिया में पहचान बनाई है, और देश एक बार दुनिया का नेतृत्व करता हुआ दिख रहा है। आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश और आगे बढ़ेगा, और निश्चित रूप से हम दुनिया के नेतृत्व करने वाले देशों में शामिल रहेंगे। आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी लोगों को मैं बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। सर, एक और छोटा जिक्र रहेगा आपसे, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं सर, तो हमारे बिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्था अभी कुछ हद तक अच्छी नहीं चल रही है, तो उसके लिए क्या आज इस शुभ अवसर पे सर क्या पहल होगी आप लोगों को के लिए? स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, और स्वास्थ्य की व्यवस्था के बेहतर प्रयास का ही परिणाम है कि आज बिहार में जिसकी आबादी लगभग 12 करोड़ है, केवल 250 कोरोना के मरीज, और पूरे देश में 26 राज्य ऐसे हैं जिसमें कई राज्यों की आबादी बिहार से 10 गुना कम है, वहाँ भी बिहार से अधिक मरीज कोरोना के। तो यही आंकड़ा बता देता है कि बिहार की स्थिति कितनी अच्छी है। लेकिन हमको अभी भी सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, और कोरोना के बिहेवियर का पालन करने का ज़रूरत है। नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कोरोना का कोई और दौर का सामना करना पड़ जाए। इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए कोरोना से संबंधित सभी आवश्यक सावधानियों का पालन करें, ताकि हम कोरोना के किसी अगले वेव के सामना करने से बच सकें। सर, एक छोटा सा सवाल आपसे कि अभी बिहार में एक छोटा सा बच्चा है आयांस, जिसके बारे में आपको भी जानकारी होगी, पूरे बिहार को जानकारी है, उस बच्चे को एक AISM नाम की बीमारी है जिसमें 16 करोड़ के इंजेक्शन की ज़रूरत है। तो सर, आप एक स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो सर उसके लिए आपका क्या राय होगा सर? नहीं, मैं स्वयं आयांस के परिवार से मिला हूँ, उनके माताजी पिताजी, वो बच्चा भी मिला है, और सरकार के तरफ से जो सहयोग हो सकते हैं वो मैंने उनको बताए हैं, और सरकार के सहयोग के साथ और लोगों का सहयोग भी बच्चे को मिल रहा है। मेरी भी ये कामना है कि बच्चे को सभी का आशीर्वाद मिले, सहयोग मिले। इससे पहले भी सर 2 केसेस थे पूरे इंडिया में जो बच्चे बच गए हैं बिहार से बाहर, एक साथ केरल और एक राजस्थान के थे। तो सर, क्या हमारा आयांस यानी कि हमारा जो बिहार का एक बच्चा है वो आप लोगों के सहयोग से सर सही हो पाएंगे? नहीं, इस तरह के बहुत जटिल बीमारी से और भी बच्चे ग्रसित हैं, और भी बच्चों की जानकारी परिवार के लोगों ने मिलकर मुझे दी है। तो जो भी इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित बच्चे हैं, उनके सहयोग सहायता के लिए सरकार भी तैयार है, समाज के भी सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। सब लोग मिलकर उस बच्चे के भविष्य की हम लोग चिंता करेंगे, और उसको अपना सब लोग आशीर्वाद दें, ये मैं ज़रूर कहूँगा।
धन्यवाद। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी पूरे बिहार की जनता को, बिहार की क्या पूरे देश की जनता को। और साथ ही मैंने उनसे सवाल भी किया कि आयांश को लेकर, तो उन्होंने हमें जानकारी दी कि आयांश के परिवार से वो मिल चुके हैं और जहाँ तक संभव हो सके वो आयांश की मदद करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सभी के मदद से, हमारी, आपकी और जितने भी लोग हैं, मंगल पांडे जी, बिहार सरकार, जितने भी हैं बिहार सरकार में, सबकी मदद से हमारा आयांश बच सकता है। क्योंकि 16 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर किसी की जान के आगे 16 अरब भी लगे और अगर हमारे पास है, तो वहाँ पे हमें देना ज़रूरी समझते हैं हम इस चीज़ को। और इन लोगों ने भी सहमति जताई है कि ये लोग जहाँ तक हो सकेगा मदद करेंगे। आगे की जानकारी भी हम आपको देंगे। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए लाइव लॉन्ग न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।